हाय गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। हमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बोला गया कि हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है कि जो कि डिविजिबल हो 4 से 9 से एंड 10 से। देखें, ऐसा सबसे छोटा नंबर यानी कि लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि तीनों से डिविजिबल हो जाए, यानी कि एक ऐसा कॉमन नंबर होगा जो सबसे डिवाइड होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन और डिवाइड हो जाए तीनों से। यानी डिवाइड कब होगा? जब इन नंबर्स का मल्टीपल होगा वो नंबर, यानी कि मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। हमें एलसीएम फाइंड करना है 4, 9 एंड 10 का। जब हम उसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो उससे हमें कुछ वो जो फिर एक एलसीएम आएगा इनका, फिर हम देखेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तब तो वही एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। अगर वो एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो हमें उसको एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बनाना होगा। तो देखिए, पहले हम 4, 9 एंड 10 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 का यहाँ पे फाइंड करते हैं। 4, 9, 10, 2 से 2, 9, 5, 2 से 1, 9, 5, 2 से 1, 3, 5, 3, 1, 5। तो देखिए, जो एलसीएम है वो है 4, 9 एंड 10 का, वो है 2 मल्टीप्लाई 2, 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 12, 12 मल्टीप्लाई 3, 36, 36 मल्टीप्लाई 5, 180। यानी कि जो एलसीएम है वो है 4, 9 एंड 10 का, वो है 180। अब देखिए ये जो 180 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए, पहले वो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें इसका वो फैक्टर्स फाइंड करना होगा। इसका जो फैक्टर्स है वो ये है 180 का, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए, ये जो इसमें हम देख पा रहे कि इसमें 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, बट ये जो 5 है इसका पेयर नहीं बना, यानी कि जो 180 है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम 6.3 में हम एक क्वेश्चन नंबर शायद वो 7 या 8, उसमें हम देख चुके हैं कि एक वो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो उसमें जब इसमें 5 का पेयर नहीं बना, यानी कि हम इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे इधर दोनों साइड 5 से, तो जो एक नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि तब इसमें 5 का पेयर बन जाएगा, बट बना नहीं अभी। अब देखिए, जब हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एक नया नंबर आएगा वो जो एक नया नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 4, 9 एंड 10 से। तो हमें 108 मल्टीप्लाई 5 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 900। सो जो ये 900 है एक ऐसा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि डिविजिबल है 4, 9 एंड 10 से। सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर 4, 9 and 10। सो अब चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ये सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, बस इसमें वैल्यू चेंज है। इसमें भी हमें बताने कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि ऐसा एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो कि डिविजिबल हो 8 से 15 से एंड 20 से। तो यानी कि एक सबसे छोटा नंबर यानी कि लीस्ट नंबर डिविजिबल हो तीनों से, यानी कि एक ऐसा कॉमन नंबर होगा कॉमन, और वो डिविजिबल कब होगा? जब इन नंबर्स का मल्टीपल होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम।
यानी कि हमें एलसीएम फाइंड करना होगा पहले 8, 15 एंड 20 का। अब आइए पहले इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 8, 15 एंड 20 का एलसीएम 2, 2, 15, 10, 2, 2, 15, 5, 1, 15, 5, 3, 1, 5, 5, 5। तो देखिए जो एलसीएम है वो है 8, 15 एंड 20 का, वो है 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3, 24 × 24 × 5, 120। यानी कि जो 120 वो है एलसीएम है 8, 15 एंड 20 का। एलसीएम वो है 8, 15 एंड 20 का वो है 120। अब देखिए, अब देखते हैं ये जो 120 है क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके लिए हम इसका प्राइम फैक्टर्स लेंगे। इसका प्राइम फैक्टर्स ये रहा, इसका प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब इसमें देख पा रहे कि हम 2 का पेयर बन गया, बट एक जो 2 है उसका पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना। यानी कि हम इसमें देख पा रहे कि जो 120 है इसमें ना तो 2 का पेयर बना, ना ही 3 का पेयर बना, ना ही 5 का पेयर। अब हम पेयर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का पेयर बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का पेयर बन गया, एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पेयर। बट हम एक साइड ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें इस साइड अगर हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमें इस साइड भी मल्टीप्लाई करना होगा ये नंबर्स, तभी ये जो वो सही होगा, तो वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने इधर ये मल्टीप्लाई किया ये नंबर 2, 3, 5, तो हमें इस साइड भी करना होगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 120 में 2, 3 एंड 5। सो जो 120 है इसमें जब हम 2 × 3 × 5 करेंगे तो जो एक हमारा नया नंबर आएगा वो देखते क्या है, 120 × 2, 240, 240 × 3, 720 and 720 × 5, 3600। यानी कि 3600 जो है एक ऐसा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि डिविजिबल है 8 से, 15 से एंड 20 से। सो हमारा लास्ट आंसर यही है। सो 36 इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय नंबर 8, 15 and 20। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो होता है सॉल्व। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके।